दोस्तों आज बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान की। जैसा कि स्क्रीन पर आपने देखा, ये बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। 20x40 में, 20x40 फीट में मकान बना हुआ है। और इस मकान में विशेष ये मैंने रखा है कि मॉडर्न हाउस डिजाइन है, लो बजट हाउस डिजाइन है। अगर आप भी चाहते हैं एक बेहतरीन सा घर जिसमें 3 बेडरूम आपके ग्राउंड फ्लोर पर हो और 2 बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर हो, तो ऐसा मकान आप डिजाइन कर सकते हैं। आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आपको पसंद आया होगा या नहीं आया होगा तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को पहले से ही लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आज का जो मॉडल है 20x40 का, काफ़ी रिकमेंडेड मॉडल है। काफ़ी लोगों के जो प्लॉट का साइज होता है 20x40 होता है, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया है। इसमें कार पार्किंग भी है, गेस्ट रूम भी है, 2 बेडरूम्स है, लेट बाथ किचन, स्टेयर और आंगन, सारी डिटेल आपको यहां पर मिलने वाली है जो एक मकान में पर्याप्त होती है। तो आज का जो मकान है उसे हम डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों मैं जल्द ही आप लोगों के सामने अपनी स्मार्ट हाउस प्लान की वेबसाइट को दोबारा से चालू करने वाला हूँ। हालांकि पहले रन होती थी बट वो किसी कारण बस बंद हो चुकी है, बट उसमें जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर आप मॉडल को बहुत ही अच्छे से विजुलाइज कर तो पूरा मॉडल डिस्कस करने में आज तो हम लोग एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लान होने वाला है। जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वो भी बहुत ही बेहतरीन, कलर वगैरह आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर बात करें कॉर्नर का प्लॉट है दोस्तों, कॉर्नर के वजह से यहाँ पर दोनों साइड एलिवेशन तैयार किया है, फ्रंट में भी और साइड में भी। मकान अगर आप बनवाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मकान आपको लगने वाला है, बेहतरीन से डिजाइन क्योंकि यहाँ पर मैंने दिया है। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी आपको बेहतरीन से देखने को 20x40 का ये मकान। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की, देख सकते हैं फ्रंट में आपको ऐसा मिलेगा कि आप कार पार्किंग है या कार पार्किंग कर पाएंगे। ये गेस्ट रूम है जिस अलग-अलग टेक्सचर, अलग-अलग कॉम्बिनेशन में दिया है। ये विंडो है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, तो आपको एंट्री के लिए आप दोस्तों यहीं से जाना होगा। मैं बात करते हैं साइड का भी, पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये साइड डोर है, तो यहाँ पर भी विंडो वगैरह लगा रखी, डिजाइन वगैरह बना रखी जिससे आपका बेहतरीन घर लगे। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों का ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइज ये रूम वगैरह आप दिख रहे होंगे, मैंने ये जो बारंदे टाइप का दिख रहा है कार पार्किंग, इसको मैंने ऑलरेडी ढक दिया है। यहीं से आपकी एंट्री होगी, तो आपका ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे और ये विंडो भी दिया है। एंट्री करने के लिए पहले आपको गेस्ट रूम से होकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट बेडरूम नहीं क्रिएट किया। आपको गेस्ट रूम में पहले आना है, गेस्ट रूम से फिर आप आएंगे अपने डाइनिंग हॉल में जिसे आंगन बोल सकते हैं। आंगन से मैंने स्टेयर्स दिए हैं जहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर आप अंदर की तरफ आते हैं। मैं बात करें आपका किचन एरिया है, अगर आप अपने किचन का ये डोर यहाँ से भी लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लेट बाथ कंबाइंड साथ में बने हुए किचन जैसे सटे हुए, आप इस डोर को यहाँ से भी लगा सकते हैं। लेकिन घर बहुत खूबसूरत होने वाला है, 3 बेडरूम है जिसमें एक गेस्ट रूम, 2 बेडरूम और ये डाइनिंग हॉल, इसमें स्टेयर्स और साथ साथ ये लेट बाथ, ये आपका बड़ा सा किचन है। किचन के एरिया भी काफी मैंने ज्यादा ही रखा है और आपके ये कार पार्किंग का भी एरिया है। साइड की बात करें तो आप साइड से देख सकते हैं, यहां पर हमने विंडो वगैरह दिया है, इस वाला बेडरूम भी दिया है। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन दिया है, डिजाइन के ऊपर पर्पस से कलर वगैरह मैंने यहां पर दिया है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन और ये साइड का डोर जो कि पिलर पर पूरा टिका हुआ है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे हम स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप स्टेयर्स में नहीं बनाए, यहीं से आप ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर ये पीछे वाला पोर्शन पूरा से दोनों बेडरूम आपका है, लेट बाथ बना हुआ है, ये आपका डाइनिंग हॉल बना है, किचन मैंने हटा दिया और आपका दो जो आगे गेस्ट रूम था और कार पार्किंग उसको हटा दिया है। उसकी जगह ये आपका बेहतरीन सा पार्किंग टाइप का बालकनी कहलाती है और आगे का जो डिजाइन है वो आप देखिएगा, ग्रिल डिजाइन है वो आप देखिएगा, बेहतरीन और कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने दिया है। तो ये आपको बहुत बेहतरीन मॉडल लगा होगा 20x40 में। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। बात करते हैं इसकी लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3.5 का बाउंड्री वॉल और बेहतरीन से ग्रिल का इस्तेमाल कर दिया किया है मैंने, और ये मॉडल आपका पूरा बनकर रेडी हो जाता है। मॉडल जो ऐसा है ना, लो बजट, बस सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का इसमें चीजें मैंने ज्यादा दी है और थोड़ा सा आगे टेक्सचर वगैरह को लिमिटेड मैंने इलिमिनेट किया है ज्यादा से यूज। इसी में आपको जो पैसा लगेगा बाद में कि आपका घर बिल्कुल लो बजट का होने वाला 20x40 फीट में, 8 स्क्वायर फीट में मकान और
तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि ये मॉडल एक ऐसा मॉडल था जो लो बजट था और 20x40 में जो काफ़ी लोगों को रिकमेंडेड होता है वो उस टाइप का ये मॉडल था। तो चलो इस मॉडल को ही हम ब्रेक करेंगे, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक।